हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जॉइन एमएनएस एकेडमी टुडे हियर वी आर अगेन विद टॉप ट्वेंटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम आर द एग्जांपल ऑफ कैम्बियम्स सो जो वैस्कुलर कैम्बियम है एंड कॉर्क कैम्बियम है ये प्लांट्स के कौन से टाइप के कैम्बियम का एग्जाम्पल है सो ऑप्शन ए इज़ एपिकल मेरिस्टम ऑप्शन बी लेटर मैरिस्टम ऑप्शन सी इंटर कैलरी मेरिस्टम ऑप्शन डी प्रो मेरिस्टम सो इसका करेक्ट आंसर है लेटरल मेरिस्टम सो जो वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम है ये प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड सेकेंडरी ग्रोथ मींस जो भी हमारा प्लांट है उसकी ग्रेथ को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं सो so, जो मेरिस्टम प्लांट की ग्रिथ को बढ़ने में हेल्प करता है वो है लेटरल मेरिस्टम एंड बाकी जो हमारा एपिकल मेरिस्टम एंड इंटर कैलरी मेरिस्टम है ये हमारी प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है विच मीन्स प्लांट की ये हाइट को बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेरिस्मैटिक टिश्यू आर कंपोज ऑफ ए मैच्योर सेल्स ऑप्शन बी फुली डिफ्रेंशिएटेड सेल्स ऑप्शन सी सेल्स डैट कैन नॉट डिवाइड ऑप्शन डी इमेच्योर सेल्स विथ पावर टू डिवाइड सो मेरिस्मैटिक टिशू जो है वो कैसे टाइप के सेल्स होते हैं तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी विच इज़ इम मैच्योर सेल्स विथ पावर टू डिवाइड सो so, जो इमेच्योर सेल्स होते हैं उनके पास पावर होती है एबिलिटी होती है कि वह बहुत बहुत ज़्यादा डिवाइड कर सकते हैं एंड वो डिवाइड करके न्यू जो भी हमारे सेल्स होते हैं उनको फॉर्म करते हैं सो so, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल द जाइलम एनिमेंट्स वेन मैचोर आर डेड एक्सेप्ट ऑप्शन ए ट्रैकिड्स ऑप्शन बी जाइलम पैरनकामा ऑप्शन सी वेसल्स ऑप्शन डी फाइबर्स सो so, यहाँ पे थोड़ा सा न जो भी ऑप्शन के ए बी सी लिखे हैं ये थोड़े से रॉन्ग हो गए सो दिस इज़ बी एंड दिस वन इज सी तो सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विच इज़ायलम पैरेंट कैमा सो जो भी हमारे ज़ाइलम के एलिमेंट्स हैं जब वो मैच्योर हो, तो हो जाते हैं तो सब डेड हो जाते हैं एक्सेप्ट हमारा जो ज़ाइलम पैरन कैमा है एंड ये जो ज़ाइलम का पैरन कैमा है ये फ्रूट की जो भी फूड होता है उसकी ट्रांसपोर्टेशन में इन अ प्लांट हेल्प करता है नेक्स्ट इज द ग्रोथ ऑफ रूट्स एंड स्टेम इन लेंथ विद द हेल्प ऑफ एपिकल मेरिस्टेम इज़ कॉल्ड सो ये क्वेश्चन हमने अभी जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन में किया एंड ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही है कि जो भी हमारा प्लांट है उसमें जो रूट एंड स्टेम की जो ग्रोथ होती है वो एपिकल मेरिस्टेम की ग्रोथ की वजह से होती है एंड उस टाइप के ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं तो जो ऑप्शन ए है वो है प्राइमरी ग्रोथ ऑप्शन बी सेकेंडरी ग्रोथ ऑप्शन सी लेटरल ग्रोथ ऑप्शन डी इंटर कैलरी ग्रोथ सो so, जो हमारी लेंथ की हाइट या जो बढ़ती है जो भी प्लांट्स एंड रूट्स में तो उसको हम प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए विच इज़ प्राइमरी ग्रोथ ट्रैकिट्स डिफर फ्रॉम अदर ट्रैकरी एलिमेंट्स एंड ऑप्शन ए हैविंग कैसपीरियन स्ट्रिप्स ऑप्शन बी बींग इम्परफोरेटेड ऑप्शन सी लैकिंग न्यूक्लियस ऑप्शन डी बींग डिग्निफाइड सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी इट इज़ बीग इम्परफोरेटेड सो so, जो हमारे ट्रैक्री एलिमेंट्स होते हैं उनमें कोई परफोरेशन या पोर्स नहीं होता है सो so, इस वजह से वहाँ पे जो भी हमारा ट्रांसपोर्ट है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ट्रैक्री एलिमेंट्स विच इज़ बींग इम नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेंटी सेल्स आर इन्वॉल्व इन ऑप्शन ए फूड ट्रांसपोर्ट ऑप्शन बी ट्रांसपीरेशन ऑप्शन सी फोटोसिंथेसिस ऑप्शन डी गैसियस एक्सचेंज सो जो लेंथी सेल्स हैं ये हमारे लेंथ शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल्स होते हैं ये हमारे प्लांट के बार्क में प्रेजेंट होते हैं एंड दे हेल्प इन गैशियस एक्सचेंज ऑफ अ प्लांट सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी गैशियस एक्सचेंज इज एज ऑफ अ ट्री कैन बी एस्टिमेटेड बाय ऑप्शन ए नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स ऑप्शन बी डायमीटर ऑफ हॉट वुड ऑप्शन सी इट्स हाइट एंड ग्रेथ ऑप्शन डी बायोमास सो so, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विच इज़ एनुअल रिंग्स सो जब हम ट्री को कट करते हैं जहाँ पे उसकी स्टेम्प होती है उस स्टैंप से जब हम जरा सा ऊपर जो ट्रंक का पार्ट है वहाँ से कट करते हैं सो आफ्टर कटिंग हम देखते हैं कि वहाँ पे ऐसे रिंग्स होते हैं तो so, इसको हम एनुअल रिंग्स बोलते हैं सो so, अगर किसी ट्री की अगर हमें एज फाइंड आउट करनी है तो हम इस एनुअल रिंग्स को काउंट करते हैं नेक्स्ट इज इन बार्ली स्टेम वैस्कुलर बंडल्स आर ऑप्शन ए क्लोज एंड स्कैटर्ड ऑप्शन बी ओपन एंड इन अ रिंग ऑप्शन डी क्लोज एंड रेडियल ऑप्शन सी ओपन एंड स्कैटर्ड करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए विच इज़ क्लोज एंड स्कैटर्ड तो यहाँ पे जो डिफरेंट अरेंजमेंट है ये हमारे वेस्कुलर बंडल के हैं जो हमारे रूट्स एंड स्टेम में अलग अलग होता है बट जो बार्ली है इट इज़ अ मोनोकॉट एंड मोनोकॉर्ड स्टेम में जो हमारा अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल होता है वो क्लोज एंड स्कैटर्ड होता है इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विच इज़ क्लोज एंड स्कैटर्ड नेक्स्ट इज पैलीसेट पैरेंट कायमा इज एबसेंट इन लीव्स ऑफ ऑप्शन ए मस्टर्ड ऑप्शन बी सोयाबीन ऑप्शन सी ग्राम ऑप्शन डी सौरगम सो ये जो पैलीसेट पैरेंट कैमा है ये हमारा पैरेंट कायमा जो सेल्स लीव्स में प्रेजेंट होते हैं उनका मॉडिफिकेशन है जहाँ पे हमारा पैरेंट कामा एक स्पॉन्जी पैरेंट कामा फॉर्म करता है एंड एक पैलीसेट पैरेंट कैमा फॉर्म करता है एंड ये जो दोनों टाइप के पेरेंट कैमा है ये हमारे डाइकॉड्स में प्रेजेंट होते हैं सो गिवन ऑप्शन में जो सॉर्गम है ये मोनोकॉट है इसलिए जो मोनोकॉट है उनमें हमारा पैलिसिड पैरनकामा एंड स्पॉन्जी पैरनकामा प्रेजेंट नहीं होता है सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी सॉर्गम नेक्स्ट इज ग्राउंड टिश्यू इंक्लूड्स ऑप्शन ए ऑल टिश्यू एक्सटर्नल टू एंडोडर्मिस ऑप्शन बी ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल ऑप्शन सी एपिडर्मिस एंड कॉर्टेक्स ऑप्शन डी ऑल टिश्यू इंटरनल टू एंडोडर्मिस सो so, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी विच इज़ ऑल टिश्यू इंटरनल टू एंडोडर्मिस सो एंडोडर्मिस के बाद हमारा पिथ होता है पेरिसाइकल होता है वेस्कुलर बंडल होता है सो so, ये भी जो सारी चीज़ें हैं ये हमारा ग्राउंड टिश्यू को फॉर्म करती हैं नेक्स्ट इज द कॉमन बॉटल कॉर्क इज प्रोडक्ट ऑफ ऑप्शन ए डर्माटोजन ऑप्शन बी जाइलम ऑप्शन सी फेलोजन ऑप्शन डी वैस्कुलर कैम्बियम सो जो कॉमन बॉटल कॉर्क होती है वो हमारा प्रोडक्ट होता है फेलोजेन का सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फेलोजेन नेक्स्ट इज सीव ट्यूब्स आर सूटेड फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड बिकॉज दे पसेस ऑप्शन ए ब्रॉडेड पिट्स, ऑप्शन बी नो एंड वॉल्स ऑप्शन सी ब्रॉडर ल्यूमन एंड परफोरेटेड क्रॉस वॉल्स ऑप्शन डी नो प्रोटोप्लाजम सो so, जो सीव ट्यूब्स है हम उनका या जो भी प्लांट्स है उसको ही क्यों यूज़ करते हैं फ़ूड की ट्रांसलोकेशन करने के लिए विच मीन्स वो फूड को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करने के लिए सीव ट्यूब को क्यों यूज़ करते हैं सो so, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सो जो हमारे सीव ट्यूब्स होते हैं उनमें जो ल्यूमन होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है एंड जो वॉल्स है वो परफोरेटेड है सो so, इसकी वजह से जो हमारा ट्रांसलोकेशन ऑफ फ़ूड है वो फास्टर होता है सो so, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ब्रॉडर ल्यूमन एंड परफोरेटेड क्रॉस वॉल्स नेक्स्ट इज डेथ ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज़ अ प्री रिक्वेज फॉर अ वाइटल फंक्शन लाइक ऑप्शन ए ट्रांसपोर्ट ऑफ सैप ऑप्शन बी ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड ऑप्शन सी एब्जॉर्बशन ऑफ वाटर ऑप्शन डी गैशियस एक्सचेंज सो जो प्रोटोप्लाजम प्रोटो है वो हमारे ट्रांसपोर्ट ऑफ सैप के लिए एक इंपॉर्टेंट है तो अगर हमारा प्रोटोप्लाजम प्रोटो डेड हो जाता है तो उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सैप जो है वो ईजी हो जाता है इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ट्रांसपोर्ट ऑफ सैप नेक्स्ट इज एक्सिलरी बर्ड एंड टर्मिनल बर्ड डराइव फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ऑप्शन ए लेटरल मेरिस्टम ऑप्शन बी इंटर कैलरी मेरिस्टम ऑप्शन सी ऐपिकल मेरिस्टम ऑप्शन डी पैरनकाइमा सो जो प्लांट में एक्सिलरी बर्ड है एंड जो टर्मिनल बर्ड है वो हमारे एपिकल मेरिस्टेम की एक्टिविटी से फॉर्म होता है इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विच इज एपिकल मेरिस्टम नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेसल्स आर फाउंड इन ऑप्शन ए ऑल एनजियो एंड सम जिम्नोस्पर्म ऑप्शन बी मोस्ट ऑफ़ द एनजियो एंड फ्यू जिम्नोस्पर्म ऑप्शन सी ऑल एनजियो ऑल जिम्नोस्पर्म्स एंड सम टेरिडोफाइटा ऑप्शन डी ऑल टेरिडोफाइटा सो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए विच इज ऑल एनजियपम एंड सम ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स सो वैसे ले ये हमारे जो हायर प्लांट्स हैं उनमें प्रेजेंट होता है या जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें प्रेजेंट होता है इसलिए ऑल द द जिम्नोस्पर्म्स हैव है जो हमारे लोअर प्लांट्स होते हैं लाइक टेरिडोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा उनके केस में वेसल्स एबसेंट होता है नेक्स्ट इज इन प्लांट्स इन्योलिन एंड पैक्टिन आर ऑप्शन ए रिजर्व मटेरियल, ऑप्शन बी वेस्ट ऑप्शन सी सिक्रीटरी एक्सक्रीटरी मटेरियल ऑप्शन डी इंसेक्ट अट्रैक्टिंग मटेरियल सो इन्यूनल एंड पेक्टिन जो है वो हमारे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है सो जो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज है आफ्टर इट्स स्टोर एज अ रिज़र्व मटीरियल इन अ प्लांट सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रिज़र्व मटीरियल नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर रेडियल वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन ऑप्शन ए डायकॉट रूट ऑप्शन बी डाइकॉट स्टेम ऑप्शन सी मोनोकॉट रूट ऑप्शन डी मोनोकॉट स्टेम करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डाईकॉट रूट जो डाइकॉट रूट होता है उसमें हमारे फोर रेडियल वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं नेक्स्ट इज विच एक्सपोज्ड वुड विल बी फास्ट डिके ऑप्शन ए हर्ट वुड ऑप्शन बी सॉफ्ट वुड ऑप्शन सी वुड विथ लॉट ऑफ फाइबर्स ऑप्शन डी सैप वुड सो so, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी विच इज़ सैप वुड जो सैप वुड होता है उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है एंड ये हमारी आउटर सरफ़ेस पे होता है जो भी प्लांट होता है सो so वहाँ पे जो भी हमारे माइक्रोब्स हैं उनका अटैक फास्टर होता है दिस इज़ द रीज़न वाई सैप वुड गेट ईजीली डिकेट नेक्स्ट इज एबनॉर्मल ऑब्लिक एनामोल सेकेंडरी ग्रोथ ऑकर्स इन ऑप्शन ए जिंजर ऑप्शन बी व्हीट ऑप्शन सी ड्रेसिना ऑप्शन डी सनफ्लावर सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी ड्रेसिना ड्रेसिना इज अ मोनोकॉट सो जो हमारे मोनोकॉट्स होते हैं उनके केस में एक एबनॉर्मल ग्रोथ ऑब्जर्व की जाती है इन वैस्कुलर बंडल देयरफोर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ड्रेसिना नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रॉडर पिट्स आर फाउंड इन ऑप्शन ए सीव सेल्स ऑप्शन बी कंपानियन सेल्स ऑप्शन सी सीफ ट्यूब वॉल ऑप्शन डी वेसल वॉल करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी वेसल वॉल जो वेसल वॉल होते हैं उनमें ब्रॉडेड पिट प्रेजेंट होते हैं नेक्स्ट इज लास्टली थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड यू कैन जॉइन अस ऑन आर टेलीग्राम चैनल ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम एंड आर youtube चैनल विच इज़ ऑल नेम डेट जॉइन एम एन वी आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन ऐप विच इज़ अवेलेबल इन प्ले स्टोर एंड वी आर रनिंग अश कोर्स इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन देयर एंड अ क्वेश्चन विच आई वॉन्ट यू ऑल टू आंसर सो जो अर्ली वुड होता है अर्ली वुड का एक और नेम होता है वो आपको जो नेम है सेकेंड नेम है वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना है अर्ली वुड इज़ ऑल्सो नोन एज सो इसका आंसर जो होगा वो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे एंड जो भी आंसर करेक्ट होगा हम उसको पिन करके वहाँ पर रख देंगे कोई भी जो भी आंसर हमें जो सबसे पहले मिलेगा So thank you for watching this video.